नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आसमान छूती महंगाई ने आवाम के लिए मरने के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। दाने दाने के लिए जनता तरस रही है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो भयावह हैं। कभी अनाज लूटने के चक्कर में किसी की मौत हो जा रही है तो कभी ईंधन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसने ये बता दिया है कि पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। दरअसल पाकिस्तान में जब गरीबों में बांटने के लिए आटे की बोरियां भरकर ट्रक पहुंचा तो भीड़ ने उसे लूट लिया। एक एक बोरी आटे के लिए एक दूसरे से छीना छपटी वाला माहौल वहां पर देखने को मिला, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने छीना शुरू कर दिया। और ये साथ ड्राइवर को और पल्लेदारों को मारा जा रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और किस तरह से वहां की आवाम परेशान है। लेकिन पाक हुक्मरान है कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी मौज मस्ती में हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई दर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फरवरी के महीने में महंगाई दर 31.5% दर्ज की गई थी, जिससे अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर किस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जनता पर सरकार ने किस तरीके से बोझ डाला है। जानकारी देते चलें कि शहबाज सरकार ने इस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया से पैसा मांगा, लेकिन कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिस IMF से उसे पैसा मिलने की आखिरी उम्मीद थी, उस IMF ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया और लोन देने से मना कर दिया, जिसके बाद ही वहां के हालात और ज्यादा खस्ता हो गए और लोग आटा अब वहां पर लूट रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, देखना होगा कि पाकिस्तान के हालात कब सुधरते हैं। लेकिन ये तो तय है कि पाकिस्तान की आवाम पूरी तरीके से परेशान है और दाने दाने के लिए मोहताज है, इसीलिए वो आटा चावल दाल लूटने पर उतारू हैं। उन्होंने छीनना शुरू कर दिया और ये साथ ड्राइवर को और पल्लेदारों को मारा जा रहा है। ये लड़का है कि ये पता नहीं कौन है, ये यहाँ के लोग हैं, इन्होंने आटा लूटना शुरू कर दिया गाड़ी से। हालात काबू से बाहर हो गए हैं। ये देखें, लोग आटा लेके भाग रहे हैं।